नमस्कार, प्योर मनोरंजन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आज आपके लिए लेकर आया हूं राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई कुछ खबरें। सबसे बड़ी खबर यह है कि जो राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, 56 सीटें जो है अप्रैल महीने में खाली हो जाएंगी और उसके बाद 27 फरवरी को इसके लिए चुनाव होने जा रहे हैं। कई बड़े नाम जो अभी तक आपको राज्यसभा में दिख रहे थे अब आपको नहीं दिखाई देंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम है मनमोहन सिंह का, जो 6 बार से राज्यसभा के सदस्य रहे और अब उनको इस बार उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, अब वो नहीं दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर कांग्रेस से ही जुड़ी हुई है। जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है वो ये है कि कांग्रेस महाराष्ट्र से पूर्व RBI के गवर्नर रघुराम राजन को राज्यसभा में लाना चाहती है और यदि इन खबरों को सच माने तो आप कह सकते हैं कि रघुराम राजन की राजनीतिक पारी की शुरुआत राज्यसभा से होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। आपको बताऊं कि रघुराम राजन को मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त वो लेकर के आए थे और अब जो है ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की जो राज्यसभा की सीट जो कुमार केतकर की सीट थी उनके जाने के बाद जो खाली हो रही है तो उसी सीट पर रघुराम राजन को कांग्रेस लाने जा रही है। ये अभी तक की सूत्रों के हवाले से खबर है और आने वाले दिनों में इसकी पुष्टि भी कर दी जाएगी। तो मैं आपको जानकारी दे रहा था कौन कौन से लोग जो हैं अब आपको राज्यसभा में जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा नाम जैसे मैंने आपको बताया मनमोहन सिंह का है, जया बच्चन भी उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, उद्योग मंत्री नारायण राणे, उसके अलावा कांग्रेस के जो है वो अभिषेक मनु सिंह भी, अखिलेश प्रताप सिंह और नासिर हुसैन, ये 3 नाम भी जो है इनके कार्यकाल खत्म हो रहे हैं। कांग्रेस जो है वो 9 से 10 सीटें जो है कांग्रेस जीत सकती है इस बार और इसमें आपको कहूँ तो उनको कांग्रेस को गुजरात की 2 सीटों का नुकसान है और बंगाल की 1 सीट का नुकसान है क्योंकि बंगाल में अब कांग्रेस के विधायक नहीं है। पिछले बार बंगाल से जो है वो अभिषेक मनु सिंह भी जो है राज्यसभा में आए थे, ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस ने मदद की थी तो उनके सहारे आए थे और अब जो है कांग्रेस को अभिषेक मनु सिंह को राज्यसभा में लाना ही होगा क्योंकि कपिल सिब्बल के कांग्रेस छोड़ने के बाद वही जो है देश के शीर्ष वकील होने के नाते कांग्रेस के वकील भी वही रहते हैं तो उनको राज्यसभा में कहां से अकोमोडेट किया जाएगा ये देखना अभी बाकी है। पहले भी वो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, राजस्थान से आते भी हैं तो उनको राजस्थान से भी राज्यसभा में लाया जा सकता है। लेकिन एक नाम रघुराम राजन के नाम की तो चर्चा है ही कि कांग्रेस उनको लाना चाहती है, एक और नाम की बड़ी चर्चा है वो खुद सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो अगला चुनाव जो है वो अपने स्वास्थ्य के कारणों से ना लड़ें और राज्यसभा में आ जाएं। तो सभी राज्य जहाँ जहाँ से कांग्रेस की सीटें खाली हो रही है, जहाँ जहाँ से कांग्रेस की राज्यसभा सीटें आ सकती हैं, उन सभी लोगों ने कहा है कि यदि सोनिया गांधी आना चाहती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल से भी 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी, वहाँ से भी जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटक में 3 सीटें हैं जो है कांग्रेस जीत सकती है। सिद्धारमैया ने वहाँ भी कहा है कि सोनिया गांधी जो है यदि गांधी परिवार का कोई भी आता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांधी परिवार के का कोई सदस्य यदि राज्यसभा में यहाँ से नहीं आता है तो वो लोकल लोगों को यानी कर्नाटक के लोगों को ही राज्यसभा में लाने की तैयारी में है, जिसमें कि नासिर हुसैन का नाम है क्योंकि वो पहले से राज्यसभा में है और मल्लिकार्जुन खड़गे के सबसे नज़दीकी हैं और बाकी 1 सीट पर OBC जीता हुआ है, वहाँ से 1 दलित सीट है तो उन्हीं दोनों को समुदायों को वो 2 सीटें भी दी जाएगी और 1 नासिर हुसैन साहब की सीटें हैं। कई और नाम है जिसकी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन उनको भी राज्यसभा में लाया जाएगा। अभिषेक मनु सिंघवी का जिक्र मैंने कर दिया। अजय माकन जो है हरियाणा से राज्यसभा का चुनाव हार गए थे पिछली बार 1-2 वोट से, तो अब इस बार जो है वो उनको कहाँ से लाया जाएगा ये देखना बाकी है क्योंकि कांग्रेस को बिहार से 1 सीट मिलेगी लेकिन बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह का टर्न खत्म हो रहा तो क्या उनको रिपीट किया जाएगा। हिमाचल से 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी, राजस्थान से 1 सीट मिलेगी, तेलंगाना से 1 सीट मिलेगी, कर्नाटक से 3 जो है जीत के आ सकते हैं, मध्य प्रदेश से 1 मिलेगी और महाराष्ट्र से 1 मिलेगी। तो इन जगहों पर जो है
नामों की जो चर्चा है, जिसमें कि अजय माकन की बात कही मैंने, अभिषेक मनु सिंघवी की बात कही, पवन खेरा भी कोशिश में लगे हैं कि वो राज्यसभा आ जाए, नासिर हुसैन की बात कही, उनको तो रिपीट किया भी जाएगा, और बाकी कई नेता हैं वो भी कोशिश में लगे हैं। फिलहाल जो है इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक और चेहरा जो जया बच्चन का है, क्या अखिलेश यादव जो है जया बच्चन को दोबारा से समाजवादी पार्टी का टिकट दे करके क्या उनको नॉमिनेट करते हैं, ये भी देखने की बात होगी, क्योंकि जया बच्चन जो है राज्यसभा में काफ़ी मुखर आवाज़ रही है, खासकर अब हर तरह के मुद्दों पर, खासकर महिला मुद्दों पर वो काफ़ी बोलती हैं और काफ़ी जो है मुखर रहती हैं, तो क्या अखिलेश उनको फिर से राज्यसभा दे रहे हैं, ये भी देखने की बात होगी। और जैसा मैंने कहा कि बीजेपी के तरफ से कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं, क्या इनमें से कहा जा रहा है कुछ जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी सीट हिमाचल की सीट चली गई है राज्यसभा की, तो क्या वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, हिमाचल से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन बनता है, प्रियंका गांधी के नाम की भी चर्चा है, वो इसलिए भी चर्चा है कि प्रियंका का एक घर है वहाँ पे हिमाचल में, तो क्या प्रियंका भी यदि हाँ कहती है तो फिर उसे कोई मना नहीं करेगा। तो ये थी राज्यसभा की खबरें, और इसमें से दो तीन मोटी मोटी बातें जो आपको बताना चाहूँगा कि रघुराम राजन को कांग्रेस महाराष्ट्र से राज्यसभा में लाने की जुगाड़ में है, और उनकी एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र से होगी। सोनिया गांधी यदि राज्यसभा में आना चाहे तो सभी जो है वो राज्य जहां से कांग्रेस जीत सकती है उन्होंने हामी भर दी है। प्रियंका गांधी हिमाचल से आना चाहे उसके लिए भी तैयार हैं। अभिषेक मनु सिंघवी का भी आना करीब करीब तय है कि वो भी आएंगे। अजय माकन कोषाध्यक्ष हैं, उनको भी लाया जाएगा। बाकी नामों में पवन खेरा, नासिर हुसैन के अलावा और भी कई नाम है जिसके बारे में और जब ज़्यादा क्लैरिटी आएगी तो आपके पास वापस आऊंगा। तब तक प्योर मनोरंजन में मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए। नमस्कार।